एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी बंपर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने मिशन 2024 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए पार्टी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे एक गाँव में रहेगा। सीएम से लेकर हर सामान्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान हर नेता भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। इसलिए सबके चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कैबिनेट मंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे, एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो गांव चलो अभियान आज हमारी बैठक है, उसके व्यापक तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे, हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट से हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बता दें, बीजेपी का गांव चलो अभियान फरवरी से देश में शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के बड़े नेता गांव में जाकर पूरी रात बिताएंगे। इस दौरान हर नेता गाँव वालों से संपर्क करेगा और उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनेगा। इस अभियान का जिम्मा लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों को सौंपा जा चुका है। इस अभियान में बीजेपी एमपी की 23,000 पंचायतों के तहत आने वाले 50,000 गांवों में दस्तक देगी। बीजेपी की पूरी तैयारी एमपी में मिशन 29 पर है। वैसे देश में बीजेपी का लक्ष्य 400 सीटें जीतने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।